हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट की है और जैसा कि जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डू व्हाइल लूप का कैसे प्रयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे डॉग टाइप HTML। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉग टाइप HTML पहले हम लगाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट का टाइप मेंशन करने के लिए डॉग टाइप HTML लगा दिया। आप चाहे तो इसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे लगा देंगे HTML। तो ये इस तरीके से लिखा मैंने HTML, ओके। और आप एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब यहां पे डायरेक्टली बॉडी टैग लगा देता हूं मैं, तो यहां लगा दिया बॉडी टैग इस तरीके से, तो ये हो गया बॉडी। और अब यहां पर एंटर प्रेस कर देता हूं, एंटर प्रेस करके यहां पर पैराग्राफ आईडी देंगे, ठीक है। और फिर यहां पर दे देता हूं आईडी में क्या दूंगा, इज इक्वल टू डू दे देता हूं, क्योंकि डू व्हाइल लूप का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां लिख दिया डू, ठीक है। अब यही चीज हमको नीचे भी प्रयोग करना पड़ेगा, डू जो लिखा है यही चीज हमें नीचे भी प्रयोग करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यहां पर दे दिया, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दीजिए, तो ये क्लोज भी कर दिया। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर स्क्रिप्ट टैग को अब ओपन करेंगे, तो ये स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लिया हमने इस तरीके से, ये हमने ओपन कर लिया स्क्रिप्ट है। और यहां से इसको हटा देते हैं। अब यहां पे करना क्या है, यहां पर हमें अब कोडिंग करनी है आगे। तो यहां पे देखिए स्क्रिप्ट टैग तो हमने लगा लिया है, लेकिन अब हमें यहां पर वेरिएबल्स बनाने हैं। तो यहां पे लिखा मैंने वेब, और एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं टेक्स्ट नाम से, ठीक है। पिछले वीडियो में भी टेक्स्ट नाम से ही बनाया था, इस वीडियो में बना लेते हैं टेक्स्ट नाम से, क्या दिक्कत है। ये हमने बना लिया, और यहां पर क्या करना है हमें, डबल क्वोट कॉमा ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, और फिर इसे टर्मिनेट भी कर देना। इसी तरह से इसको टर्मिनेट कर दिया हमने, फिर दूसरा बनाएंगे, एक तो बना लेते हैं वेर ना वेर आई नाम से बना लेते हैं, तो ये आई कर दिया हमने, और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। और फिर यहां पर क्या करना है, देखिए आई नाम से बना तो लिया है, लेकिन अब इसमें इनिशियलाइज करनी है हमें, वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो यहाँ पे इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो, ठीक है। और इसे टर्मिनेट करके नीचे आ जाते हैं, जैसे टर्मिनेट करके नीचे आएंगे तो यहां पर अब आपको डू देना है, ठीक है। डू वैल्यू का प्रयोग कर रहे हैं, डू दे दिया, और यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया, और यहां पर दे देता हूं टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट नाम बनाया ना, टेक्स्ट नाम से बनाया, तो यहां पर टेक्स्ट दे देता हूं टेक्स्ट, ठीक है। और यहां पर आगे दे देता हूं प्लस, ठीक है, ये प्लस दे दिया हमने। और फिर लगाता हूं इज इक्वल टू, और फिर यहां पर लगा लूंगा मैं ब्रेक टैग, ठीक है। तो यहां पर लगाया br, यानी ब्रेक टैग। ब्रेक टैग हमने पिछले वीडियो में भी लगाया था जबकि हम व्हाइल लूप सीख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आ गए हम, यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर आने के बाद तो यहां पर दे देता हूं प्लस आई, ठीक है, इस तरह से दे देंगे, और फिर इसे टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद फिर नीचे आएंगे एंटर प्रेस करके, और नीचे आते ही यहां पे इंक्रीमेंट करवा देते हैं, तो आई प्लस प्लस, प्लस प्लस आई नहीं बल्कि आई प्लस प्लस कर देंगे, ये कर दिया हमने। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो अब यहां व्हाइल लूप लगा लेते हैं। अब ये व्हाइल भी एक कीवर्ड है, ठीक है, जो व्हाइल मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू एच आई एल ई, तो ये भी एक कीवर्ड है, और ये लगा दिया हमने। और ये लगाने के बाद क्या करना है, यहां पे देना है आई इज लेस देन 5, ठीक है। अब इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, यहां पर इसको टर्मिनेट कर देंगे, और टर्मिनेट करके नीचे आएंगे, टर्मिनेट ऐसे होता है सेमी कोलन लगाने से, ठीक है। और यहां पर दे देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, जो आपने दिया था ऊपर याद है, डू नाम दिया था, तो यहां पे लिख देना है आपको खाली डू, ठीक है। तो ये दे दिया हमने, अब इधर आ जाएंगे, और इधर आने के बाद क्या करना है, यहां पे देना है डॉट इनर एच टी एम एल, तो यहां पे लिख दिया डॉट इनर, और फिर कैपिटल लेटर्स में दे देता हूं एच टी एम एल, बस हो गया काम। इतना लिख लेने के बाद फिर इज इक्वल टू लिखना है, और फिर यहां दे देना है टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट नाम से बनाया था ना, तो यहां पर टेक्स्ट दे दिया, यहां पे नहीं बल्कि यहां पर, ठीक है। इनर एच टी एम एल पहले दे देता हूं एच टी एम एल, और फिर यहां पे दे दूंगा टेक्स्ट, ठीक है, तो इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देता हूं टी ई एक्स टी, ओके। तो ये टेक्स्ट कर दिया हमने, और यहां पे टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें क्या देना है, सबसे पहले तो अब क्लोज करना है। तो देखिए स्क्रिप्ट टैग तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, देख सकते हैं आप, स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज कर दिया है पहले ही, मैं टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं तो ये अपने आप आ जाता है। तो यहां पर हम कर देते हैं इसको क्लोज। अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से इसको सेव करता हूं, डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, ठीक है। तो ये पहले से मैंने सेव किया है doom.html, और ये डेस्कटॉप पे ही है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो ये doom.html है,
और यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए पांच तक, ये चार तक ही प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा ये प्रिंट हो, ठीक है, तो अच्छा ये चार तक प्रिंट क्यों कर रहा है, चार तक प्रिंट करने के पीछे कारण क्या है, तो वो दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जब हमने लूप लगाया था तो लूप लगाते वक्त ये देखिए वाइल में क्या कंडीशन दिया गया है, आई इज लेस देन 5, लेस देन 5 यानी 0 1 2 3 4, 4 तक चलेगा ये, ठीक है, 5 तक नहीं चलेगा। कब 5 तक चलेगा, जब यहां पर लेस देन इक्वल टू कर देंगे, ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब इसको सेव कर देता हूं, अब यहां पर जो प्रोग्राम चलाया था उसको ही रिफ्रेश कर दूंगा, तो देखिए 5 तक प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए यहां से रिफ्रेश कर दिया तो 5 भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको आगे और बढ़ाना हो इसको तो यहां पर जाकर के आपको चेंजिंग करनी होगी, ठीक है। यहां पे 5 है तो अगर मान लीजिए आप 10 तक करना चाहते हैं इसको तो यहां पे 10 कर दीजिए, अब ये 10 तक प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। तो यहां से जाता हूं इसको और सेव कर देता हूं, सेव कर दिया। अब इसको रन करवाते हैं तो ये प्रोग्राम यहीं पे है हमारा, अब यहां से इसको रिफ्रेश भर कर देंगे तो ये देखिए 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डू व्हाइल लूप का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों को लेकर के एक डिटेल में, वैसे तो आपको दिख ही गया होगा लेकिन डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।